हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में आप सीखेंगे 5 HP 3 फेज मोटर में कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाएंगे। दोस्तों यदि मोटर के अंदर सही कैपेसिटर का चयन नहीं किया जाता है तो दोस्तों आपकी मोटर है वो हीट भी हो सकती है और दोस्तों आपकी मोटर है वो जल भी सकती है। दोस्तों आपको पता है 5 HP मोटर का उपयोग है लघु उद्योगों, फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियों, चक्कियों, लेंथ मशीनों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी मोटर है वो क्यों जल जाती है और क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है। वीडियो में दोस्तों स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें ताकि दोस्तों आपको पूरी जानकारी वो मिल सके। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ऊपर दिया बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों नए नए वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंच के। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी मोटर के अंदर केवीआर कैपेसिटर का चयन करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले एक फार्मूला यूज करना होता है। वो दोस्तों फार्मूला है तो केवीआर दोस्तों बराबर एक फार्मूला है वो है दोस्तों √kVA² - kW यानी दोस्तों क्या है हमें क्या है इस फार्मूले के हिसाब से दोस्तों क्या है 5 HP 3 फेज मोटर के अंदर क्या है जो केवीआर कैपेसिटर का चयन करेंगे। अब दोस्तों क्या है हम क्या सबसे पहले केवीए निकालेंगे। केवीए दोस्तों बराबर एक फार्मूला होता है वो है kW/Power Factor। सबसे पहले क्या हमें किलोवाट निकालना होगा। किलोवाट दोस्तों आपकी मोटर 5 HP मोटर है यानी दोस्तों आपको पता है 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं तो 5 HP बराबर हो गए 746 × 5 यानी दोस्तों ये आ जाएगा 3730 वाट। वैल्यू दोस्तों वाट के अंदर आई है। अब दोस्तों क्या हमें किलोवाट निकालना है। किलोवाट यानी 3730 को जो 1000 से हम भाग देंगे तो ये दोस्तों ये आ जाएगा 3.730 किलोवाट आ जाएगा। अब दोस्तों किलोवाट हमारे पास आ चुका है और जो हमें क्या है पावर फैक्टर की ज़रूरत होगी। अब दोस्तों पावर फैक्टर जैसे आपकी मोटर के अंदर क्या पावर फैक्टर चल रहा है उस पर आपको निर्भर करता है। यानी जो पावर फैक्टर हम दोस्तों मान लेते हैं मोटर का 80 यानी 80 पावर फैक्टर मान लेते हैं। अब दोस्तों क्या इस हिसाब से क्या हमें केवीए निकालेंगे। अब केडब्ल्यू यानी 3.730 पावर फैक्टर दोस्तों आ जाएगा 0.80। अब दोस्तों इसको हम डिवाइड करेंगे 0.66 यानी 4.66 ये दोस्तों क्या है केवीए आ जाएगा। अब दोस्तों किलोवाट ऊपर आ चुका है और केवीए हमारे पास आ चुका है। अब क्या हमें केवीआर निकालना होगा। √kVA² यानी केवीए आ जाएगा 4.66 यानी कि स्क्वेयर माइनस केडब्ल्यू यानी 3.730 यानी 3.730 की स्क्वायर। तो इसको दोस्तों हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों √ यानी यह आ जाएगा 21.71 - 14.06 ये दोस्तों क्या है इसको जो हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब दोस्तों क्या है हमें ये जो उसके बाद नीचे हम डिवाइड करेंगे फिर तो दोस्तों ये 7.6 √7.65 केवीआर आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो केवीआर कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी 2 kVAR पॉइंट का जो बाद का कैपेसिटर आपको मिलेगा नहीं इसलिए हम क्या है 2 kVAR का कैपेसिटर आप आ जाएगा। तो अब दोस्तों क्या है आपकी जो 5 HP 3 फेज मोटर के अंदर क्या आप 2 kVAR का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अब दोस्तों क्या हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। ये दोस्तों कैपेसिटर है वो क्या है हम एसी मोटर के अंदर ही लगाया जाता है न कि डीसी मोटर के अंदर जो कैपेसिटर है वो नहीं लगाता है। क्योंकि दोस्तों एसी मोटर के अंदर जब करंट चलता है तो क्या है जो करंट है वो क्या है पिछड़ जाता है यानी जो वोल्टेज से क्या पिछड़ जाता है यानी पीछे हो जाता है। तो इस कारण दोस्तों क्या है इसको जो करंट को सुधारने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है यानी पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो दोस्तों हमें क्या है एसी मोटर के अंदर ही कैपेसिटर लगाया जाता है न कि डीसी मोटर के अंदर। क्योंकि डीसी मोटर के अंदर जो साइन वेव एसी और डीसी का जो वैल्यू होती है वो सेम यानी बराबर चलती है इसलिए हम क्या है डीसी मोटर के अंदर कैपेसिटर नहीं लगाते हैं और एसी मोटर के अंदर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों ये भी क्या है आपका जो मोटर का जो पावर फैक्टर है जो चल रहा है उस पावर फैक्टर के हिसाब से ही दोस्तों आप निकाल सकते हैं। यानी जो पावर फैक्टर मान लो इसकी 0.80 की जगह यानी 0.40 जो पावर फैक्टर चल रहा है तो इस हिसाब से क्या है इसका जो केवीआर कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी जितना मान लो पावर फैक्टर कम होगा उतना ही आपको अधिक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ये दोस्तों आप क्या है उस हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों क्या आपकी जो मोटर है वो क्यों जल जाती है यानी दोस्तों आप क्या है इससे मान लो अधिक की वैल्यू का कैपेसिटर लगा देते हैं करंट है वो क्या काफ़ी जो दोस्तों क्या है आगे चलने लग जाता है यानी लीड करने लग जाता है। उस कारण दोस्तों आपकी मोटर है वो जल सकती है। या दोस्तों क्या आप कम वैल्यू का कैपेसिटर लगाते हैं दोस्तों आपकी जो मोटर के ऊपर काफ़ी लोड पड़ेगा और उस कारण भी आपकी मोटर है वो जल जाएगी। इसीलिए दोस्तों क्या आप एक्यूरेट जो वैल्यू का कैपेसिटर ही लगाएं ताकि उस हिसाब से जो आपकी मोटर है वो क्या आसानी से इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके दोस्तों आप क्या निकाल सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो लाइक करें। वीडियो रिलेटिव कोई भी मन में क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ऊपर दिया बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों नए नए वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंच के। आज की वीडियो में इतने धन्यवाद दोस्तों।